नमस्कार। हमने इससे पहले जाना था कि फेसबुक का पेज कैसे बनता है, फेसबुक पर ऐड कैसे डाली जाती है। आज हम देखेंगे जो हमारे फेसबुक पे पोस्ट होते हैं उसे बूस्ट कैसे किया जाए, उसे प्रमोट कैसे किया जाए। देखिए, इस तरह से आपको इमेज मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, यहाँ तक कि जो बेसिक डिटेल जरूरी है एक पोस्ट बनाने के लिए वो आपको वक्रांगी से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करके पोस्ट बनाना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। क्या होता है, जैसे अभी हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे नए फोन आ रहे हैं सैमसंग के, और यूज फोन, रिफर्बिश फोन्स का भी एक बहुत ही बड़ा लिस्ट है, कलेक्शन है, जो आप अभी आप बेचोगे। तो ये आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को पता चले, आपके एरिया में लोगों को पता चले, उसलिए इस पोस्ट को बूस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल हैंडसेट्स के ऊपर एड से ज्यादा पोस्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको गोल आएगा जो ऑटोमेटिक होगा, इसे चेंज करें। ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है गेट मोर एंगेजमेंट और सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको बटन ऐड करना है कॉल नाउ। इसमें आप अपना नंबर डालेंगे जो एक्टिव है, ऑपरेशनल नंबर है, और जो वक्रांगी के साथ रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट आप करोगे ऑडियंस का सिलेक्शन। तो हम लोग को पहले क्रिएट करना होगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। अब आप अपनी ऑडियंस का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए, हर पोस्ट के लिए ऑडियंस अलग होगी। क्यों? सैमसंग के नए फोन के लिए 18 से 60 साल के उम्र के जो लोग हैं वो सही हो गए, पर एक रिफर्बिश यूज फोन के लिए 25 से 60 साल के बीच के जो लोग हैं वही आपके सही ऑडियंस होंगे। उसके बाद आता है लोकेशन का सिलेक्शन। अभी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। अगर आप एक अर्बन रीजन में हो तो 5 किलोमीटर का एरिया काफी होगा आपके लिए। यदि आप एक रूरल एरिया में हो तो 10 किलोमीटर का एरिया आपके लिए सही होगा। इसके बाद में आता है इंटरेस्ट का सिलेक्शन। इंटरेस्ट यानी कि वो कीवर्ड्स जो इंटरेस्ट दर्शाते हैं आपके ऑडियंस का। अगर ये कीवर्ड्स उनके प्रोफाइल से मैच करते हैं तो आपका पोस्ट उनको दिखाई देता है। तो देखिए, रिफर्बिश और सैमसंग के लिए, दोनों के लिए ही आपको हमारे ओर से लिस्ट मिलेगी टारगेटिंग इंटरेस्ट की। आपको वही कॉपी पेस्ट करनी है, उसी का इस्तेमाल करना है। कुछ कुछ कीवर्ड तो सेम रहेंगे, कुछ कीवर्ड्स अलग होंगे ताकि सही टारगेट ऑडियंस आपको मिल सके। इसके बाद आता है ड्यूरेशन और बजट। तो सबसे पहला आएगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप 5 से 10 दिन का ड्यूरेशन ही लीजिए, क्योंकि ज्यादा का ड्यूरेशन सही नहीं होगा। क्योंकि 5 से 10 दिन सही समय होता है समझने के लिए कि कैंपेन किस तरह से चल रहा है। उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बजट और कीवर्ड्स, इंटरेस्ट, ये आप अपने अनुसार चेंजेस कर सकते हो, जिससे जो नेक्स्ट 5 डेज होगे वो और इफेक्टिव हो जाते हैं। नीचे आता है बजट। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 100 रुपए का, जो डेली बजट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपना बजट खुद डिसाइड करें। देखिए, जितना आपका बजट होगा उतनी देर तक ही आपकी एड दिखेगी, यानी हर क्लिक के ऊपर आपके बजट से कुछ पैसे कट जाते हैं, और जब पूरे पैसे 0 हो जाते हैं आपकी ऐड दिखना बंद हो जाती है। सेम चीज पोस्ट पर भी अप्लाई होता है। आपकी पोस्ट तब तक प्रमोट होती है जब तक वो क्लिक सारे एग्जॉस्ट नहीं होते, बजट एग्जॉस्ट नहीं होता। तो इसे आप 5 दिनों के बाद भी बढ़ा सकते हो, रिस्पॉन्स देखकर और लीड्स देखकर। इसके बाद में आता है फंड्स। ऐड फंड्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके फंड्स ऐड करें। नेक्स्ट, आपका ये पूरा होने के बाद में बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। बूस्ट पोस्ट नाउ, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये करते ही आपका पोस्ट बूस्ट हो जाएगा, यानी कि प्रमोट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।